सब्सक्राइब कीजिए कुक विद हानी को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन दम बिरयानी और हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। पहले हम अखनी बना लेंगे और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो चिकन लिया है, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 300 ग्राम्स दही, 2 फ्राइड ऑनियंस, 1 squeeze lemon, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 पीस जायफल, 1 दालचीनी की पीस, 1 star anise, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची। इन मसालों के साथ हम तली हुई प्याज डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बनके तैयार है। चलिए अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। एक बाउल में चिकन लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन में थोड़ा धनिया पत्ता डाल के पीस लिया है। लाइम जूस ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 10% फैट का ग्रीक योगर्ट लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्पून लेकर मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से रैप करके फ्रिज में 3 घंटे टाइम तक रख देंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब हम अखनी बनाएंगे और इसके लिए हम एक पैन लेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे, हम चिकन को थोड़ी देर तक पकने छोड़ेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चिकन में पानी छूट गया है। हम पानी को ड्राई होने तक अच्छे से पकाएंगे क्योंकि हमें थिक अखनी चाहिए, इसलिए ड्राई मसाले और तली हुई प्याज का बनाया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तली हुई प्याज और ड्राई मसाले ही इसकी जान है, इससे अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं हमारी अखनी अच्छे से थिक हो चुकी है। चलिए अब हम राइस बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बासमती राइस लिया है और मैंने इसको 1 घंटा टाइम पहले भिगो लिया है। ये कुछ ड्राई मसाले हैं, 1 टीस्पून शाह जीरा, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक और हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। एक बर्तन लेंगे और इसमें 2.5 लीटर पानी डालेंगे और ये ड्राई मसाले ऐड करेंगे, तेल डालेंगे और यहाँ पे मैं नमक बताना भूल गई थी, यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे और लिड बंद करके एक बॉईल आने तक हम पकने के लिए छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जितना पानी ज्यादा डालेंगे चावल उतने ही अच्छे पकेंगे। चावल डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे।
हमारे चावल लगभग 50% तक पक गए हैं। हम इसको और थोड़ी देर तक पकाएंगे। हमें चावल को जस्ट 70% तक ही पकाना है क्योंकि हम बाद में अखनी के साथ चावल को दम करेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चावल पक चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। एक बर्तन लेंगे और ऑयल अच्छे से लगा लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो बर्तन के नीचे तवा रख सकते हैं। अब हम अखनी ऐड करेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे हम चावल को दो लेयर डाल रहे हैं तो हम थोड़ा चावल डालेंगे। तली हुई प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना ऐड करेंगे। और ज़ाफ़रान का दूध ऐड करेंगे। फिर हम चावल डालेंगे। फिर से हम गार्निशिंग करेंगे तली हुई प्याज। थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना। ज़ाफ़रान का दूध डालेंगे। मैं यहाँ पे मेल्ट किया हुआ बटर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्योर घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल से क्लोज कर रही हूँ। आप चाहें तो लिड बंद करके किनारों में आटा लगा के क्लोज कर सकते हैं ताकि स्टीम बाहर ना जाए। अब हम इसको लिड बंद करके 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम लिड ओपन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं हमारी बिरयानी में कितने अच्छे से कलर आया हुआ है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। टेस्टी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनके तैयार है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।